आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये देखिए एक प्रारूपी बैक्टीरिया का डायग्राम है और बैक्टीरिया कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यानी कि आदिम प्रकार की कोशिका है। ये एक आउटलाइन डायग्राम है और इसमें हम देख सकते हैं फ्लैजुलम, देख सकते हैं हम ये लंबी संरचनाएं हैं और ये जो छोटे छोटे हैं ये सारे ये जो संरचनाएं वो उन्हें हम पीली कहते हैं। फिर बैक्टीरिया में सेल वॉल कैप्सूल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, अंदर एंडोस्पोर पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियस है, सॉरी इट इज नॉट न्यूक्लियस, ये डीएनए है, इसका आनुवांशिक पदार्थ है जो कि बिना किसी केंद्रकीय आवरण, बिना किसी न्यूक्लियर एनवेलप के पाया जाता है और जिस क्षेत्र में पाया जाता है डीएनए उस क्षेत्र को हम न्यूक्लियोइड क्षेत्र कहते हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ ये सारे राइबोसोम हैं और अनेक इंक्लूजन्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। प्रत्येक के बारे में हम बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये तो बस एक प्रारूपी चित्र है। अब हम जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जैसे ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, हम उन्हें दो समूहों में बांट लेते हैं, स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल टू द सेल वॉल और स्ट्रक्चर्स इंटरनल टू द सेल वॉल। आपको पता है कि जो कोशिका भित्ति होती है बैक्टीरिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है, तो कोशिका भित्ति के आधार पर ही कुछ कोशिकाएं, कुछ जीवाणु कोशिकाएं ग्राम पॉजिटिव होती हैं और कुछ ग्राम जीवाणु कोशिकाएं ग्राम निगेटिव प्रकार की होती हैं। तो हम कोशिका भित्ति की संरचना को तो डिटेल में अध्ययन करेंगे ही। हम देख लेते हैं पहले कि कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो कि कोशिका भित्ति के बाहर है। तो ग्लाइकोकैलिक्स है, कैप्सूल है, स्लाइम लेयर है, फ्लैजुला है, एक्सियल फिलामेंट्स हैं, फिम्ब्रिए पीली, सेल वॉल है और कोशिका भित्ति के अंदर जो संरचनाएं होती हैं वो है प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम और भिन्न प्रकार के इंक्लूजन पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल, लिपिड इंक्लूजन्स, पॉलीसेक्राइड, सल्फर ग्रैन्यूल्स एंड मैग्नेटोसोम्स। कार्बोक्साइम एक इंक्लूजन ही है यहाँ लिखा है और एंडोस्पोर नाम की संरचनाएं भी पाई जाती हैं। तो ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये याद रखना है। स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल टू द सेल वॉल, कोशिका भित्ति के बाहर पाए जाने वाली संरचनाएं और कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाने वाली संरचनाओं की सूची। अच्छा, हमने यहाँ पर एक सम अप किया है कि किस संरचना का क्या फंक्शन है, तो ये हम बाद में भी ले सकते हैं, पहले हम डिटेल में पढ़ लें। फिर जैसे प्लाज्मा झिल्ली है, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्लाज्मा झिल्ली हमें पता है कि दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी, ये बाहर का मेम्ब्रेन बनाता है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनाता है और
सिलेक्टिवली परमिएबल होता है और इसी के आर पार ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन संपन्न हो पाता है। न्यूक्लियोइड में जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, सेल वॉल के फंक्शंस हैं, कैप्सूल का फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राइंग, बैक्टीरियोफेजेस सूखने से बचाता है, बैक्टीरियोफेज से बचाता है और वायरुलेंस बढ़ाता है, फ्लैजिला मोटिलिटी प्रदान करता है। पीली के अनेक फंक्शन होते हैं, अभी हम डिटेल में देखेंगे। कार्बोक्सीजोम्स का फंक्शन है कार्बन फिक्सेशन और एंडोस्पोर्स जब भी एडवर्स कंडीशंस आती हैं प्रकृति में तब फिर ये मतलब जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है एक तरह से, और जब अच्छे कंडीशंस हो जाते हैं तो दोबारा फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रारंभ हो जाता है। तो एंडोस्पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। ये भी एक डायग्राम है, यहाँ पर ये देखिए जिस तरह से एक दिखा रखा है, मतलब एक कार्ट के माध्यम से दिखा रखा है कि बाहर ही बाहर बैक्टीरिया में कैप्सूल है, इसके अंदर वाला स्तर सेल वॉल है, इसके अंदर वाला स्तर प्लाज्मा झिल्ली है। तो इस प्रकार से ये चीज हम नहीं भूलेंगे अगर हमने इस चित्र को ध्यान से पढ़ा। बाहरी बाहर का स्तर है कैप्सूल, उसके नीचे सेल वॉल, उसके नीचे है प्लाज्मा झिल्ली, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं, प्लाज्मिड नाम की संरचनाएं हैं और अनेक प्रकार के इंक्लूजन पाए जाते हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर अंदर से ही पीली ये निकले हुए हैं और ये है बैक्टीरियल फ्लैजिलम और ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड एक क्षेत्र, उस क्षेत्र को कहते हैं जहां की बैक्टीरिया का अनुवांशिक पदार्थ एकल सर्कुलर वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। तो ये है न्यूक्लियोइड क्षेत्र जहां पर हम सर्कुलर डीएनए देख सकते हैं, वृत्ताकार डीएनए देख सकते हैं। अब हम एक एक करके हम संरचनाएं लेते हैं, कैप्सूल एवं स्लाइम। कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु कोशिकाएं एक गाढ़े पदार्थ, चिपचिपे पदार्थ से घिरी रहती हैं चारों ओर। मतलब कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो हैं, दे आर सराउंडेड बाय विस्कस सब्सटेंस फॉर्मिंग अ कवरिंग लेयर और एनवेलप अराउंड द सेल वॉल। तो यदि इस स्तर को हम लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल जो हमारा जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से अगर हम देख पाते हैं स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स की सहायता से, तब हम उस संरचना को कैप्सूल कहते हैं। मतलब ये विस्कस पदार्थ है, ये चारों ओर कुछ बैक्टीरिया कोशिकाओं के पाया जाता है, एक कवरिंग लेयर बनाता है, स्तर बनाता है सेल वॉल के चारों ओर, कोशिका भित्ति के चारों ओर कवरिंग लेयर बनाता है। तो यदि इस स्तर को हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं तब तो हम इसे कैप्सूल कहते हैं। यदि हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते तब फिर हम इसे माइक्रो कैप्सूल का नाम देते हैं। और यदि ये जो स्तर है, ये गाढ़ा सा पदार्थ जो सेल वॉल के बाहर पाया जाता है, तो ये अगर इतना सारा है, ये बहुत सारी मात्रा में है उपस्थित, कि अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे सेल्स उसमें एम्बेडेड हैं कॉमन मैट्रिक्स में। मतलब अगर ये पदार्थ, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है
और ऐसा प्रतीत होता है देखकर कि इस गाढ़े पदार्थ में विस्कस सब्सटेंस में बहुत सारी बैक्टीरियल सेल्स एम्बेडेड हैं कॉमन मैट्रिक्स के अंदर. तो उस फिर हम पदार्थ को नाम देते हैं स्लाइम. लाइट माइक्रोस्कोपी में जब हम देखते हैं, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हम देखते हैं, तो कैप्सूल एमोर्फस जिलेटिनस भाग की तरह दिखते हैं सेल के चारों ओर. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अध्ययन किया गया तब पता चला कि कैप्सूल में इनफैक्ट मेशवर्क या नेटवर्क पाया जाता है बहुत ही फाइन स्ट्रैंड्स का, धागेनुमा संरचनाओं का, फाइन स्ट्रैंड्स का एक मेशवर्क पाया जाता है. अब कैप्सूल के फंक्शंस की बात करें तो यहां हमने देखा कि ये स्लाइम और कैप्सूल ये सारे बेसिकली एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, बस व्यवस्था में अंतर है तो उस हिसाब से नोमेनक्लेचर अलग हो जाता है. कैप्सूल के फंक्शंस क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है और ये बैक्टीरियोफेज को अटैच नहीं होने देता. दे में ब्लॉक अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया से अटैच जाते हैं, तो जो कैप्सूल है वो वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को. पहला सूखने से बचाता है बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को. अच्छा, तीसरा फंक्शन है कि ये एंटी फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, रोग कारक बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, उनकी सुरक्षा करता है श्वेत रक्त कोशिकाओं से. तो ये बैक्टीरिया के लिए एक, मतलब ये हेल्पफुल होते हैं. ये जो संरचना है, जो कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल्स होते हैं वो बैक्टीरिया की सुरक्षा करते हैं, मतलब होस्ट के WBC से, श्वेत रक्त कोशिकाओं से. तो इस प्रकार ये रोग कारक जीवाणु के वायरुलेंस को बढ़ा रहे हैं जिस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं कैप्सूल, तो उसकी वायरुलेंस को ये बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं उसकी वायरुलेंस को. नेक्स्ट फंक्शन हम देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया के अटैचमेंट को प्रमोट करते हैं सर्फेसेस से. मतलब कई जगह जीवाणु जो होते हैं वो पहले अटैच होंगे होस्ट की विशिष्ट सतहों से. इनके बारे में हम और भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे. तो ये जो कैप्सूल्स हैं वो हेल्प करते हैं इनको अटैच होने में. जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, अ बैक्टीरियम एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग डेंटल कैरीज, ये दांतों में इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, तो कैप्सूल की मदद से ये दांत के सरफेस से अटैच हो जाते हैं. अब हम देखते हैं कि कैप्सूल्स जब इतने इंपॉर्टेंट हैं, मतलब बैक्टीरिया के लिए, तो इनका कंपोजिशन क्या है. अधिकांश जीवाणुओं में कैप्सूल संरचना जो है वो पॉलीसेक्राइड की बनी होती है. पॉलीसेक्राइड एक प्रकार के शर्करा होते हैं, बहुशर्करा पॉलीसेक्राइड. तो यदि एक ही प्रकार के शुगर मॉलिक्यूल्स से बना है कैप्सूल तो उसे हम होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं. और एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकेन,
बैक्टीरिया का नाम है एस म्यूटेंस। और यदि कैप्सूल के अंदर अनेक प्रकार के शुगर्स पाए जाते हैं तो फिर हम उसे हेटेरोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। ये ज्यादातर दीज आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम शुगर प्रिकर्सर्स दैट आर एक्टिवेटेड विद इन द सेल। इनके लिए जो शुगर प्रिकर्सर्स हैं वो विद इन द सेल एक्टिवेट होते हैं, फिर ये लिपिड कैरियर मॉलिक्यूल के साथ अटैच जाते हैं, देन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड पॉलीमराइज्ड आउटसाइड द सेल। The capsule of Klebsiella pneumoniae is an example. कुछ कैप्सूल पॉलीपेप्टाइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी एंथ्रेसिस। इसमें जो कैप्सूल है वो पूरी तरह से ग्लूटामिक एसिड पॉलीमर का बना हुआ है। बैक्टीरिया में शीद नाम की संरचना भी पाई जाती है। तो कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज होते हैं स्पेशली फ्रॉम फ्रेश वाटर एंड मेराइन एनवायरमेंट्स, तो ये चेन और ट्राइकोम बनाते हैं और ये जो बैक्टीरिया है ये एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, हॉलो ट्यूब जैसी संरचना में पाए जाते हैं। इन हॉलो ट्यूब्स को हम शीद कहते हैं। इन शीत पर कई बार ये फेरिक मैंगनीज हाइड्रोक्साइड इत्यादि ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं शीत की संरचना को। स्फेरोटाइलस नटेंस एग्जांपल है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर आते हैं, दैट इज बैक्टीरिया फ्लैजेला। बैक्टीरिया फ्लैजेला ये हेयर लाइक होते हैं, पतली पतली संरचनाएं हैं और ये सेल वॉल में से बाहर निकली रहती हैं और ये स्विमिंग मोटिलिटी मतलब इसको मोटिलिटी प्रदान करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं बैक्टीरिया को। तो ये बहुत पतली होती हैं, जैसे जो यूकैरियोट का जो फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला और सीलिया जो होते हैं यूकैरियोट के, उनकी जो संरचना होती है वो सर्वथा भिन्न होती है बैक्टीरिया के फ्लैजेला से। यहाँ पर 0.01 to 0.02 mm डायमीटर के फ्लैजेला पाए जाते हैं बैक्टीरिया जीवाणु में, और इनकी संरचना भी वैसी नहीं होती है जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। ये बहुत मतलब यहाँ जीवाणु कोशिकाओं में 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है फ्लैजेला के अंदर, ये हम कई बार पढ़ते हैं। और इनकी व्यवस्था जो है जीवाणु कोशिका पर पोलर हो सकती है, दोनों बैक्टीरियम के दोनों एंड्स पर पाए जा सकते हैं या लेटरल साइड्स पर भी पाए जाते हैं बैक्टीरियम के। ये विब्रियो कॉलेराई का फोटोग्राफ है, दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद फ्लैजेला। बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेलम की संरचना है उसमें एक बेसल बॉडी होता है, एक शॉर्ट हुक पाया जाता है, एक हेलिकल फिलामेंट पाया जाता है। और फिलामेंट जो है वो फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। बैक्टीरिया किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तरल माध्यम में, तो यहाँ बैक्टीरिया प्रोपेल देमसेल्व्स बाय रोटेटिंग देयर हेलिकल फ्लैजेला। ये अपने हेलिकल फ्लैजेला को रोटेट
करते हुए आगे तरल माध्यम में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। ये एक डिटेल डायग्राम है फ्लैजेलम का, और ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑब्वियसली प्लाज्मा झिल्ली है, सॉरी ये तो सेल वॉल है, सॉरी दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है। ये हम पेरिप्लाज्म यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सेल वॉल है, और यहाँ हम देख सकते हैं किस प्रकार से फ्लैजेलिन प्रोटीन से जो फ्लैजेला का फिलामेंट भाग बना हुआ होता है। अब हम एक अन्य संरचना पर आते हैं, पीली। पीली ये खोखली संरचना है, नॉन हेलिकल है, मतलब इसमें घुमाव नहीं पाए जाते हैं, और ये भी तंतुमय इनका जो लुक होता है, फिलामेंटस लुक होता है, पतले होते हैं और संख्या में कहीं बहुत अधिक होते हैं फ्लैजेला से। तो किंतु इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका मोटिलिटी में, जीवाणु कोशिका की मोटिलिटी में कोई योगदान नहीं होता है, मतलब मूवमेंट में ये कोई हेल्प नहीं करते हैं जीवाणु कोशिका के। और ये नॉन मोटाइल स्पीशीज में भी पाए जाते हैं, मोटाइल स्पीशीज में भी पाए जाते हैं। तो इनके बहुत सारे फंक्शंस पाए गए हैं। ये एक इकोलाई बैक्टीरिया का डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, और इसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से इकोलाई बैक्टीरिया पीली के माध्यम से जीन्स एक्सचेंज कर रहे हैं। इसको हम सिंपल डायग्राम फॉर्म में भी हम बना सकते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम के फॉर्म में, और इस प्रकार से, और इसमें ये चीज हम दिखा सकते हैं सिंपल स्केच द्वारा भी। अब पीली के फंक्शंस की बात करें तो जो एफ पाइलर से, अभी जो हमने पहला डायग्राम जो देखा था उसी के रेफरेंस में ये बात है, तो जो एफ पाइलस है इट सर्व्स, या फिर सेक्स पाइलस इसे कहते हैं, सर्व्स एज द पोर्ट ऑफ एंट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग बैक्टीरियल मेटिंग। तो बैक्टीरियल मेटिंग के समय इसका योगदान होता है, और कुछ पीली जो होते हैं दे प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमन इन्फेक्शन बाय अलाउइंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू अटैच टू एपिथेलियल सेल्स। तो मतलब ये जो बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी बढ़ाते हैं, रोग कारकता बैक्टीरिया की, जीवाणु की बढ़ाते हैं, मतलब किस तरह से बढ़ाते हैं, ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं अटैच, पीली के मदद से बैक्टीरिया एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग से अटैच जाता है, मतलब जो रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी जो एपिथेलियल सेल लाइनिंग होती है, स्तर होता है, तो उससे ये जो बैक्टीरिया है, रोगकारी बैक्टीरिया जो है, पीली के द्वारा अटैच जाते हैं। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन में योगदान करते हैं। तो इस अटैचमेंट की वजह से जीवाणु कोशिकाएं वॉश अवे नहीं हो पाती, मतलब म्यूकस या बॉडी फ्लूइड्स द्वारा वॉश अवे नहीं हो पाती, और ये मतलब इन्फेक्ट कर देती हैं बॉडी को, अटैच रह पाती हैं। एग्जाम्पल है इकोलाई एंड निसेरिया गोनोरिया, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इकोलाई एंड निसेरिया। ये एक डायग्राम है निसेरिया का,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, ये एक प्रकार के WBCs होते हैं, और उसके अंदर किस तरह से इन्फेक्ट कर रखा है निसेरिया ने, निसेरिया जो बैक्टीरिया सेल्स हैं, तो ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स के अंदर देखे जा सकते हैं, वी कैन सी। और यहाँ पर ये निसेरिया का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। बैक्टीरिया, और भी कुछ पॉइंट्स हम ले सकते हैं पीली फिम्ब्रिया के बारे में। असल में जैसे पीली और फिम्ब्रिया बेसिकली तो एक ही संरचना को हम कहते हैं, पर हम पीली नाम दिया है जो भी, जो संरचना जो लंबी होती है और संख्या में कम होती है उसे हम सामान्यतया पीली कह देते हैं। तो ये सभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और इनका जो शाफ्ट होता है पीली और फिम्ब्रिया का, ये प्रोटीन का बना होता है,